देखो डायग्राम से एक बात तो क्लियर है कि नॉर्मल रिएक्शन का, क्योंकि नॉर्मल और वेट दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में हैं, इसलिए इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कुछ नहीं होना है। कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी चेक कर सकते हो, जो वेट का एक्स कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा क्योंकि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन नॉर्मल फोर्स का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा जो कि इसी के बराबर होगा, और कितना, एन के बराबर। सिमिलरली वेट भी नीचे की तरफ है, इसलिए वेट का भी वाई कंपोनेंट होगा जो कि इसी के बराबर होगा, और कितने के बराबर हो जाएगा, एमजी के, है ना। तो ये वाई कंपोनेंट यस में तरफ है तो प्लस, ये वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ है सर, तो यस माइनस। तो देखो कंपोनेंट्स हमने फोर्स का तोड़ ही दिया, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हम चेक कर ही चुके हैं कि जीरो है, तो न्यूटन्स लॉ अब लगा देंगे। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशंस लिखेंगे, देखो एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल का एक्स कंपोनेंट, वेट का एक्स कंपोनेंट, एम और ए एक्स तो जीरो है, ये दोनों भी जीरो जीरो ही हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए तो हमको कुछ नहीं मिला, है ना। अब वाई डायरेक्शन के लिए देखो, नॉर्मल का वाई कंपोनेंट, वेट का वाई कंपोनेंट, और ये तो एम इंटू जीरो हो जाएगा, नॉर्मल का वाई कंपोनेंट है प्लस में एन, वेट का वाई कंपोनेंट है माइनस में एम जी इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा एन प्लस माइनस माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो, तो इक्वल्स टू हो जाएगा एन इज इक्वल टू एम जी। यहां से हमको ये पता चल जाएगा कि लड़के को कितना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, वेट के ही बराबर होगा, है ना। नॉर्मल इज इक्वल टू वेट, मतलब जितना भी वजन होगा बॉक्स का उतने ही बराबर का फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ताकि लड़का बॉक्स को आराम से होल्ड कर सके अपने सर पे, ठीक। एक्टिंग ऑन सिस्टम दैट इज बॉल, क्या क्या लगेगा, पहला फोर्स तो बॉक्स अपने वजन के कारण उसको नीचे दबाएगा, है ना, पहला फोर्स तो ऊपर वाले यस सर, बॉक्स का, वेट किसका, बॉक्स का, W इज इक्वल टू एम जी, किधर लगेगा, नीचे की तरफ में, कौन लगा रहा है ये फोर्स, बॉक्स लगा रहा है लड़के के ऊपर, बाई बॉक्स, ठीक। दूसरा फोर्स कौन लगेगा लड़के पे, तो लड़के का खुद का अपना वेट, अब हम बात करेंगे वेट ऑफ बॉय की, उसको हम कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं और उसका मास था कैपिटल एम, तो एम जी हो गया, ये भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा,
किसके कारण लगेगा? तो यहां पे कारण होगा ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और एक यहां तीसरा फोर्स भी लगेगा। लड़का कहां खड़ा है, जमीन पे या रोड पे? तो रोड भी लड़के और लड़के के बॉक्स दोनों के वजन के बराबर का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ देगा, ताकि वो लड़का प्लस बॉक्स दोनों के वजन को बैलेंस कर सके। तो रिएक्शन बाई रोड मान लेते हैं, रिएक्शन बाई रोड है ना। एक नॉर्मल रिएक्शन हम एन मान चुके हैं, तो हम यहां पे एन डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। और किसके कारण लगेगा? बाई रोड लगेगा, रोड लगा रहा है वो रिएक्शन। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नो सर। हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अब हम एक तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए ये इक्वेशंस लिखेंगे। तो पहले फ्री बॉडी, हाँ देखो, यहां पे भी लड़का सिस्टम है, तो सिस्टम को मानेंगे पॉइंट। तो देखो यहां पे दो वेट लग रहे हैं, एक बॉक्स का वेट लग रहा है mg, और एक लड़के का अपना वेट लग रहा है कैपिटल mg, और रोड का रिएक्शन लग रहा है एन डैश। दोनों वेट नीचे है इसलिए नेगेटिव। कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो स्वाभाविक है, इसका भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट mg के बराबर होगा। इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो तो जीरो ही होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो mg के बराबर होगा। और चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या है, नीचे की तरफ है इसके, इसलिए माइनस में। हॉरिजॉन्टल तो खैर जीरो ही है, कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये एन डैश है ना, एन डैश का वाई कंपोनेंट क्या होगा? एन डैश के ही बराबर होगा। तो इन कंपोनेंट्स में किसी को कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। सर अब इक्वेशन लिख दो। हॉरिजॉन्टल के लिए और वर्टिकल के लिए। FX=m, m यहां पे किसका लेंगे? सिस्टम का। सिस्टम क्या था? लड़का था। लड़के का मास कितना है? कैपिटल m है।
यहाँ पे एफ वाई, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स, चलो एक तो स्मॉल डब्ल्यू का एक्स, कैपिटल डब्ल्यू का एक्स और एन डैश का एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा मास इनटू जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ओवरऑल जीरो। तो यहां भी हॉरिजॉन्टल से हमको कोई काम नहीं पड़ा क्योंकि सारे फोर्सेस वर्टिकल थे, इसलिए हॉरिजॉन्टल इक्वेशन कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहां देखो वेट का W, कैपिटल W का N डैश का और M इंटू, ये तो जीरो ही है, तो ये भाई साहब है माइनस में एम जी, ये भी है माइनस में कैपिटल एम जी और ये है प्लस में एन डैश इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, तो हो गया माइनस में एम जी, ये माइनस में एम जी और प्लस में एन डैश। तो देखो सिर्फ एन डैश क्या हो जाएगा, इनको उधर ले जाओ, तो सिर्फ एम जी प्लस कैपिटल एम जी मतलब स्मॉल एम प्लस एम टोटल मास इंटू जी। तो इस तरह से हम रोड के कारण कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा लड़के और बॉक्स के सिस्टम पे वो निकाल लेते हैं, ठीक है। यस सर, ठीक है। सृष्टि, कशिश, यस सर, क्लियर है ये? यस सर। हमको मेनली फोर्सेस कंसीडर करने हैं, उनका डायरेक्शन देख के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फिर कंपोनेंट चेक करने हैं, एक्सेलरेशन चेक करना है और फिर इक्वेशंस लिखनी है।